नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनर प्रोडक्ट ऑन सी स्क्वायर के बारे में, यानी कि हमारे पास में जो वेक्टर स्पेस अंडर कंसिडरेशन है वो है सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर बेसिकली हमारे पास में क्या होता है, सी स्क्वायर होता है सी क्रॉस सी। इसमें एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू सी। सी यानी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और हमें पता है कि ये जो सी स्क्वायर है ये वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड सी होगा। बी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर सी, ये होगा। विद कॉम्पोजिशंस क्या क्या होंगी हमारे पास में, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो कि इस तरह से डिफाइन होती हैं, विद ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू बी वन प्लस बी टू एंड अल्फा टाइम्स ए बी इज इक्वल टू अल्फा ए अल्फा बी। ये भी सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगा, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, फॉर ऑल ए वन ए टू बी वन बी टू बिलोंग्स टू सी and for all alpha belongs to C, for all AB belongs to C। तो यहाँ पर ये वाली दोनों properties को satisfy करते हुए V जो है वो vector space over a field C हो जाएगा। और हम वैसे भी जानते हैं कि अगर हमारे पास में कोई भी field होती है F, तो vector space हम कोई भी F to the power N ले लें, यानी कि F cross F cross F, ये हमारे पास में N times अगर हम लेते हैं, तो हमारे पास में V जो है वो वेक्टर स्पेस ओवर F हो जाता है, यानी कि F टू द पावर N इज वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F। तो यहाँ पर हमारे पास में C टू द पावर 2 है, तो हमारे पास में C स्क्वायर जो है वो वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड C बन जाता है। अब हमें इनर प्रोडक्ट ऑन C स्क्वायर डिफाइन करना है, डिटरमाइन। सबसे पहले एक मैपिंग डिफाइन करनी है और फिर हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाली जो मैपिंग है वो एक इनर प्रोडक्ट है ऑन वेक्टर स्पेस V। तो सबसे पहले उस मैपिंग को डिफाइन करते हैं। डिफाइन सिग्मा फ्रॉम V क्रॉस V टू F, इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, सिग्मा ऑफ यू वी। जहाँ पर आप क्या देख रहे हो, U और V हमारे पास में, ये स्मॉल U और स्मॉल V जो है वो वेक्टर स्पेस V के एलिमेंट्स हैं, is equal to bracket u v, ये आ जाता है। जहाँ पर हमारे पास में u और v अगर ये c square के elements हैं, vector space v हमारे पास में क्या है, c square है, तो हमारे पास में u क्या होगा, ordered pair इस तरह का a1 b1, और v जो है वो भी ordered pair होगा a2 b2। जहाँ पर हमारे पास में a1 ए टू बी वन बी टू बिलोंग किसको कर जाएगा, सी को, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो इसको हमने डिफाइन किस तरह से कर रखा है कि सिग्मा ऑफ यू वी विच इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट यू वी इज इक्वल टू टू अल्फा वन अल्फा टू बार। यहाँ पर वापस से इन एलिमेंट्स को लिख देती हूँ। यू हमारे पास में है अल्फा वन बीटा वन, और वी जो है वो है हमारे पास में अल्फा टू बीटा टू। तो हमारे पास में ये आ गया टू अल्फा वन अल्फा टू बार प्लस अल्फा वन बीटा टू बार प्लस बीटा वन अल्फा टू बार प्लस बीटा वन बीटा टू बार। ये किस तरह से बताया गया है मैं बताती हूँ आपको। जब हम यू और वी का इनर प्रोडक्ट लेंगे तब आप क्या करोगे, टू टाइम्स यू का फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऐसे ही वी के फर्स्ट कोऑर्डिनेट का कॉन्जुगेट प्लस यू का फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऐसे ही सेकंड कोऑर्डिनेट का कॉन्जुगेट वी के प्लस यू का फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी कि बीटा वन ऐसे ही और फर्स्ट कोऑर्डिनेट वी के फर्स्ट कोऑर्डिनेट का कॉन्जुगेट प्लस यू का सेकंड कोऑर्डिनेट ऐसे ही और वी के सेकंड कोऑर्डिनेट का कॉन्जुगेट। इस तरह से हम इनर प्रोडक्ट को, सॉरी, एक मैपिंग को डिफाइन करते हैं। अभी मैं इसको इनर प्रोडक्ट नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि हमने इसकी सभी की सभी जो प्रॉपर्टीज हैं
वो प्रूफ नहीं करी है। सॉरी, यहाँ पर मैंने पिछले पेज में इसको A1 B1 और A2 B2 लिख दिया है यहाँ पर, और आगे यहाँ पर मैंने α1 β1 α2 β2 लिख दिया है। प्लीज़ करेक्शन कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ कर लिया है, तो आप u को α1 β1 और v को α2 β2 ही रहने दीजिए। अब आपको प्रूफ ये करना है कि ये जो सिग्मा है ये इनर प्रोडक्ट ऑन v है। टू प्रूव सिग्मा इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन v, वो जो कि है हमारा c2। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम प्रूफ करेंगे, जो कि हमारी है कंसिडर सिग्मा यू वी। ये हमारे पास में क्या है, टू α1 α2 bar प्लस α1 β2 bar प्लस β1 α2 bar प्लस β1 β2 bar। अब यहाँ पर हम वी यू कंसिडर करते हैं, पहले यू वी कंसिडर करा फिर वी यू कंसिडर करते हैं। तो जहाँ जहाँ पर हमारा α1 आ रहा है वहाँ हमारे पास में α2 हो जाएगा, α2 की जगह α1 और β2 की जगह β1 और β1 की जगह β2। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि पहले हमने u इज इक्वल टू α1 β1 v इज इक्वल टू α2 β2 इस तरह से कंसिडर करा था, जहाँ पर ये क्या कर रही हूँ मैं, टू टाइम्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट u का इनटू फर्स्ट कोऑर्डिनेट का कॉन्जुकेट v का, इस तरह से करा था। अब हमको क्या करना है, वी यू। तो हमारे पास में पहली प्लेस पर क्या हो गया, v के कोऑर्डिनेट्स, ये बीटा है, पहली प्लेस पे हो गए हमारे पास में v के कोऑर्डिनेट्स, और सेकेंड प्लेस पर हो गए हमारे पास में u के कोऑर्डिनेट्स इस तरह से। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, टू टाइम्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इनटू फर्स्ट कोऑर्डिनेट का कॉन्जुकेट ऑफ u प्लस फर्स्ट कोऑर्डिनेट एज इट इज सेकेंड कोऑर्डिनेट का कॉन्जुकेट। तो u और v जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास में इनर प्रोडक्ट ये वाला जो है वी यू का क्या आएगा, α2 α1 प्लस α2 β1 bar प्लस β2 α1 bar प्लस β2 β1 bar इस तरह से आ गया। अब हम वी यू का कॉन्जुकेट ले लेते हैं, यानी कि थ्रू आउट बार ले लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में 2α2 α1 bar प्लस α2 β1 bar प्लस β2 α1 bar प्लस β2 β1 bar। ये आ गया। अब इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट्स पर बार आ जाएगा, यानी 2 bar α2 bar α1 bar का बार प्लस α2 bar β1 bar प्लस β2 bar α1 bar प्लस β2 bar β1 double bar। अब 2 का कॉन्जुकेट 2 ही होगा, ये हो गया α2 bar α1 कॉन्जुकेट ऑफ कॉन्जुकेट क्या आ गया, नॉर्मल α1 प्लस α2 कॉन्जुकेट β1 प्लस β2 कॉन्जुकेट α1 प्लस β2 कॉन्जुकेट β1। तो ये बेसिकली हमारे पास में क्या आ जाता है, ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ जाता है u v का। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखो तो आपको यहाँ पर ये क्या मिल जाएगा, इन ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपस में कॉम्यूटेटिव होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2α1 α2 bar जो कि हमारे पास में इस एक्सप्रेशन के इक्वल आ गया अगर हम यू वी को कंसिडर करें, प्लस ये वाली टर्म आप पहले लिख दीजिए कॉम्यूट करते हुए। तो ये आ गया आपके पास में α1 β2 bar प्लस ये वाली टर्म आप देखिए इससे सेम आ रही है β1 α2 bar प्लस ये वाली टर्म जो है वो इससे सेम आ रही है, यानी β1 β2 bar। तो बेसिकली ये आपके किसके बराबर आ गया, यू वी के बराबर ये आ जाता है आपके पास में। तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाता है, therefore u v
इज इक्वल टू वी यू बार। आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हमको कंसिडर करना पड़ेगा, कंसिडर यू यू। अब यहाँ पर आपके पास में फर्स्ट प्लेस पर क्या आ गया, अल्फा वन बीटा वन, और सेकेंड प्लेस पर जहाँ पर आपका यू ही है तो ये आ गया अल्फा वन बीटा वन। तो आपको प्रोडक्ट को कुछ इसी तरह से लिखना होगा। ये आपका आ गया टू अल्फा वन बार प्लस अल्फा वन बीटा वन बार प्लस बीटा वन अल्फा वन बार प्लस बीटा वन बार। ये आ गया आपके पास में। अब ये टू टाइम्स है तो इनको ऐड करके वन वन टाइम कर दीजिए, यानी ये आ गया अल्फा वन बार प्लस अल्फा वन बार प्लस अल्फा वन बार प्लस बीटा वन अल्फा वन बार प्लस बीटा वन बार। अब यहाँ पर इन्हीं सभी टर्म्स को आप कंबाइन कर लीजिए, इसको एज इट इज रखिए। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर अल्फा वन कॉमन आ रहा है इन दोनों के बीच में। तो ये आ गया आपके पास अल्फा वन बार प्लस बीटा वन बार। यहाँ पर क्या कॉमन आ गया, यहाँ पर हमारे पास में बीटा वन कॉमन आ गया, तो ये हो गया अल्फा वन बार प्लस बीटा वन बार। ये आ गया अल्फा वन बार प्लस, ये देखिए यहाँ पर अल्फा वन प्लस बीटा वन, इन दोनों अल्फा वन बार प्लस बीटा वन बार दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ये आ गया अल्फा वन बार प्लस बीटा वन बार, और ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। तो ये आ चुका है आपके पास में। इसको आप वापस से ऐसे लिख लीजिए, इसको आप थ्रू आउट बार लगा सकते हो। ये क्या आ गया आपके पास में, मॉड अल्फा वन स्क्वायर प्लस मॉड अल्फा वन प्लस बीटा वन होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब मॉड्यूलस वैल्यू जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है। अब आपके पास में ये ग्रेटर देन जीरो है, ये ग्रेटर देन जीरो है, तो दोनों का जो सम आएगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। देयरफॉर आपको क्या मिल गया, यू यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और यही चीज आपको प्रूफ करनी होती है। एंड इसका सेकेंड क्राइटेरिया क्या होता है, एंड इफ यू यू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि मॉड अल्फा वन स्क्वायर प्लस मॉड अल्फा वन प्लस बीटा वन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सपोज ये जीरो है, तो यहाँ पर आपको पता है कि ये वाली जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, ये वाली क्वांटिटी भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, और ये जो पूरा का पूरा सम आ रहा है ये इज इक्वल टू जीरो है। तो हमारे पास में खाली एक पॉसिबिलिटी रह जाती है कि ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, सिंस मॉड्यूलस ऑफ एनी नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, देन हमारे पास में मॉड अल्फा वन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एंड मॉड ऑफ अल्फा वन प्लस बीटा वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। दो नॉन नेगेटिव नंबर्स का जो सम है वो जीरो के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब कि वो जो दोनों नंबर्स हैं वो ही जीरो हो गए, यानी कि हमारे पास में ये भी जीरो हो जाता है और ये भी जीरो हो जाता है। अब इसका स्क्वायर जो है वो जीरो है, इसका मतलब कि मॉड अल्फा वन जो है वो जीरो हो गया एंड मॉड ऑफ अल्फा वन प्लस बीटा वन जो है ये भी जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा वन इज इक्वल टू जीरो एंड अल्फा वन प्लस बीटा वन इज इक्वल टू जीरो। ये किस तरह से आया कि अगर हमारे पास में किसी भी नंबर का मॉड्यूलस जीरो है, इसका मतलब कि वो नंबर जो है वो खुद भी जीरो होगा। अब यहाँ पर अल्फा वन इज इक्वल टू जीरो है, इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें बीटा वन इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। देयरफॉर यू इज इक्वल टू अल्फा वन बीटा वन इज इक्वल टू जीरो जीरो विच इज इक्वल टू जीरो। तो हमें ये रिजल्ट मिल गया है कि अगर हमारे पास में इफ यू यू इज इक्वल टू जीरो देन यू इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से हमारे पास में जो सेकेंड कंडीशन है वो टोटली प्रूफ हो जाती है। अब हम आते हैं अपनी थर्ड कंडीशन के ऊपर।
अब थर्ड कंडीशन में हमें तीन एलिमेंट्स की जरूरत होगी. लेट u इज इक्वल टू अल्फा वन बीटा वन, v इज इक्वल टू अल्फा टू बीटा टू एंड w इज इक्वल टू अल्फा थ्री बीटा थ्री. ये हमने तीन एलिमेंट्स ले लिए हैं. अब हमें प्रूफ ये करना है, टू प्रूफ लैम्डा u प्लस गामा v w इज इक्वल टू लैम्डा u w प्लस गामा v w. ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है. इसके लिए पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं. कंसिडर लैम्डा u प्लस गामा v w इज इक्वल टू, यहाँ पर अब हम u v और w की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हमारे पास में आ जाता है लैम्डा टाइम्स अल्फा वन बीटा वन प्लस गामा टाइम्स अल्फा टू बीटा टू कॉमा अल्फा थ्री बीटा थ्री. ये आ गया. अब इसको आप किस तरह से लिखते हो, लैम्डा अल्फा वन प्लस गामा अल्फा टू लैम्डा बीटा वन प्लस गामा बीटा टू अल्फा थ्री बीटा थ्री, इस तरह से लिख सकते हो. यहाँ पर ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं और यहाँ पर ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, इनका इनर प्रोडक्ट स्पेस. अब यहाँ पर इन सभी का जो ये मैपिंग डिफाइन करी गई है उसको लिखना है, तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा. हमारे पास में ये फॉर टू टाइम्स इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो ये आ गया हमारे पास में लैम्डा अल्फा वन टू टाइम्स लैम्डा अल्फा वन प्लस गामा अल्फा टू अल्फा थ्री बार प्लस लैम्डा अल्फा वन प्लस गामा अल्फा टू बीटा थ्री बार प्लस लैम्डा बीटा वन प्लस गामा बीटा टू अल्फा थ्री बार प्लस लैम्डा बीटा वन प्लस गामा बीटा टू बीटा थ्री बार. ये किस तरह से लिखा है मैंने, यहाँ पर ये फर्स्ट टू टाइम्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट एज इट इज इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट का कॉन्जुगेट प्लस फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऐसे ही और इसके सेकंड कोऑर्डिनेट का कॉन्जुगेट प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट ऐसे ही और इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट का कॉन्जुगेट प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट इसका ऐसे ही और इसके सेकेंड कोऑर्डिनेट का कॉन्जुगेट, इस तरह से लिखा है. अब डायरेक्टली इसको यहाँ पर हम टर्म बाय टर्म ओपन करते हैं और फिर लैम्डा और गामा की टर्म्स को कंबाइन करते हैं. तो हम जब इसको ओपन करेंगे तो ये आ गया हमारे पास टू टाइम्स लैम्डा अल्फा वन अल्फा थ्री बार प्लस टू टाइम्स गामा अल्फा टू अल्फा थ्री बार प्लस लैम्डा अल्फा वन बीटा थ्री बार प्लस गामा अल्फा टू बीटा थ्री बार प्लस लैम्डा बीटा वन अल्फा थ्री बार, यहाँ पर मैं अभी इसको ओपन कर रही हूँ, प्लस गामा बीटा टू अल्फा थ्री बार प्लस, अब इसको जब ओपन करूँगी ये आ गया लैम्डा बीटा वन बीटा थ्री बार प्लस गामा बीटा टू बीटा थ्री बार, ये आ गया. अब यहाँ पर जहाँ जहाँ पर लैम्डा है उन सभी टर्म्स को मैं कंबाइन कर रही हूँ और लैम्डा को कॉमन ले रही हूँ, प्लस जहाँ जहाँ पर गामा है उन सभी टर्म्स को कंबाइन करते हुए गामा को कॉमन लूँगी. तो ये हमारे पास में आ गया लैम्डा कॉमन ले लिया, ये आ गया हमारे पास में टू अल्फा वन अल्फा थ्री बार, फर्स्ट टर्म में हमारे पास लैम्डा है, सेकेंड में हमारे पास में ये वाली टर्म आ गई, ये आ गई हमारे पास अल्फा वन बीटा थ्री बार प्लस ये वाली टर्म आ गई बीटा वन अल्फा थ्री बार प्लस बीटा वन बीटा थ्री बार, ये आ गया. अब गामा कॉमन लेते हैं. इसी तरह से हमारे पास में जो गामा वाली टर्म्स आएंगी वो कुछ इस तरह से आएंगी टू अल्फा टू अल्फा थ्री बार प्लस अल्फा टू बीटा थ्री बार प्लस बीटा टू अल्फा थ्री बार प्लस बीटा टू बीटा थ्री बार, ये आ गया. बेसिकली ये हमारे पास में किसका एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास में एक्सप्रेशन है इस यू डब्लू का और ये लैम्डा से मल्टीप्लाई हो रही है. और जो नेक्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है
वो है वी डब्ल्यू का, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है गामा से। तो हमें इस तरह से जो एक्सप्रेशन मिल गया वो क्या मिल गया कि लैम्डा यू प्लस गामा वी डब्ल्यू इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स यू डब्ल्यू प्लस गामा टाइम्स वी डब्ल्यू। और यही चीज़ हमें यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर प्रूव करना थी। इस तरह से हमारे पास में सिग्मा यू वी, जिसको हमने ब्रैकेट यू वी इस तरह से डिफाइन करा है, इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन वी, जो कि हमारे पास में है सी क्रॉस सी, एंड वी सिग्मा इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। और ये चीज़ हमें इस तरह से इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है हमारे पास में प्रूव हो जाता है। और इसी के साथ साथ हमारे पास में इनर प्रोडक्ट ऑन सी स्क्वायर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉशी स्क्वॉस इनइक्वालिटी के एक लेमा के ऊपर, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव डेफिनेट फॉर्म ऑफ लेमा। सबसे पहले हम पॉजिटिव डेफिनेट फॉर्म लेमा प्रूफ करेंगे, उसके बाद में हम उससे अगले वीडियो में उसी का इस्तेमाल करते हुए कॉशी स्क्वॉस इनइक्वालिटी जो है उसको प्रूफ करेंगे। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।